नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरे नंबर हैं, मैं ऑब्जर्वर हूं इसलिए कभी भी आ सकता हूं। विधायक अलग से पहुंचेंगे। भूपेश बघेल ने विधायकों को अलग रखने के सवाल पर कहा कि इकट्ठे रहने में कोई बुराई नहीं है। साथ ही भूपेश बघेल ने चुनाव में जीत का दावा भी किया है। लो अपना आ रहे हैं, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं अपने हिसाब से आया हूँ। सर क्या रणनीति और क्या नंबर नंबर गेम है सर? कल नंबर है अपने पास? पूरे नंबर हमारे पास है। विधायक कब पहुंचेंगे सर? विधायक कब पहुंचेंगे? वो सब चीज खुलासा थोड़ी हो जाएगा। वैसे कैमरा लेके आप लोग पीछे पीछे घूमते रहते हैं, पता है। डर है कांग्रेस को? किसी बात की कोई डर नहीं है। तो फिर विधायक एक साथ रहने में कोई बुराई है क्या? खबर चंडीगढ़ से है, जहां मैम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू से मिलने निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के पिता और पूर्व मंत्री विनोद शर्मा पहुंचे, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। वहीं बैठक के बाद पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने अपने बयान में कहा कि वे वोट मांगने के लिए बलराज कुंडू से मिले हैं। वहीं बलराज कुंडू ने कहा कि वो सोच समझकर फैसला करेंगे। साथ ही कहा कि पूर्व मंत्री विनोद शर्मा का बेटा चुनाव लड़ रहा है, जब कोई चुनाव लड़ता है तो संपर्क साधने की कोशिश करता है। इससे पहले दो बार कार्तिकेय शर्मा मुझसे मिले हैं, उसके बाद विनोद शर्मा ने संपर्क किया तो मैंने कहा वो जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हैं, इसलिए आज पूर्व मंत्री विनोद शर्मा मुझसे मिलने के लिए पहुंचे थे। देखिए, विनोद शर्मा जी का बेटा चुनाव लड़ रहा है और जब कोई चुनाव लड़ता है तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत अपना वोट की अपील करने, वोट मांगने, उसके लिए संपर्क हर कोई करता है। उसी के तहत जो है ना, ये कल परसों से मेरे से कांटेक्ट हो रहे थे विनोद शर्मा जी। कार्तिक मेरे से दो बार पहले मिल चुका है, इनके फोन आ रहे शर्मा जी के, तो आज भी सुबह से कांटेक्ट हुए। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आइए ना। वही मेरा आज ये घर ही है, फ्लैट मिला हुआ जब तक है मेरे पास, तो मेरे घर पे आया तो हर आदमी का वेलकम है मेरे घर पे। इसमें राजनीति अलग चीज है, घर पे कोई अनातिथि देव है, हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर लिखा हुआ, तो आए उनका वेलकम था। मैंने चाय पिलाया, उनको कहा ठीक है, आपने वो की, आपका बेटा लड़ रहा है, मैं इस पर विचार करूंगा, वो एक अलग बात है। लेकिन वोट डालना, उसका निर्णय लेना, ये मैं आराम से कल आप सब साथियों के सामने सुबह वोट डालने से पहले मैं डिस्क्लोज करूंगा। आज की रात इस सस्पेंस को बना रहे। कितने बजे पहुंचेंगे सर वोट? मैं 11:30, 11:30, 12 के बीच में आऊंगा, तो आप सब के समक्ष से पहले आप सब से रूबरू हूंगा, उसके बाद मैं अंदर विधानसभा में जाऊंगा कि भाई हमारी इमदाद करो, मदद करो। कुंडू साहब ने कहा मैं विचार करूंगा। राज्यसभा चुनाव निर्वाचन अधिकारी और विधानसभा सचिव आरके नांदल का बयान सामने आया है। उन्होंने चुनाव को लेकर कहा कि सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी, 4 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। वहीं 4 बजे के बाद इसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी जाएगी, जिसके बाद 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से निर्देश मिलने के बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वहीं इस मामले में हर खबर संवाददाता रवि चंदेल ने आरके नांदल से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। राज्यसभा का चुनावी रण काफी दिलचस्प हो चुका है। 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा के सचिव एवं रिटर्निंग ऑफिसर आरके नांदल जी। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं? कल वोटिंग होगी, क्या कुछ तैयारियां रहेगी और किस तरीके से इसकी शुरुआत रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगी? सुबह 9 बजे से और 4 बजे तक पोलिंग होगी और 4 बजे पोलिंग खत्म होने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन को इसकी सूचना दी जाएगी और इलेक्शन कमीशन से परमिशन आने के बाद फिर 5 बजे से काउंटिंग होगी शुरू। इसकी तैयारियां हमारी पूरी है, सारी जिन जिन की ड्यूटी जहां जहां लगानी है वो लगा दी गई है, सिक्योरिटी का भी प्रॉपर अरेंजमेंट कर लिया है और हमने पूरी तैयारियां हमारी। सर, अगर बात करें तो यदि पिछले चुनावों की बात करें तो जो स्याही कांड था उसको लेकर इस बार क्या कुछ एहतियात जो है वो बरती जा रही है, किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, क्या कुछ मेजरमेंट्स जो है वो लिए जा रहे हैं? नहीं, अब की बार जो है जो पैन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो सप्लाई किया है उसको देने के लिए हमारा एक ऑफिसर हम डेप्यूट करेंगे स्पेशली, जो 1 by 1 MLAs को वो पैन देगा और जिस टाइम पर वो MLA वोट कास्ट करके बाहर जाएगा उसके बाद दूसरा जाएगा तो उसको फिर से पैन देंगे और हर बार उसको कैबिन को प्रॉपरली चेक किया जाएगा।
हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, पूरी तरह से इलेक्शन पूरा तरह से फेयर होगा एज पर गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। सर किस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से पिछले विधानसभा राज्यसभा चुनावों में भी कुछ कांड जो है वो जगजाहिर है और इसके बाद इस बार जो एहतियात बरती जा रही है, किस अगर आसान भाषा में समझा जाए तो क्या किस प्रणाली के तहत जो है विधायक जो है अपना कीमती वोट जो है वो किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में देंगे, क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, वीडियोग्राफी की जाएगी, विधायकों को उसके लिए पहले से ही ट्रेनिंग दी गई है किस तरीके से, क्योंकि बहुत से ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुनकर आए। विधायकों को हमने इंस्ट्रक्शन जो हम भेज दी है कैसे वोट कास्ट करना है वो सबको बता दिया गया है और हम यहाँ भी पोस्टर लगाएंगे और जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ भी जो वेटिंग रूम होगा उसका उसमें भी इंस्ट्रक्शंस लगेंगी, बाकी उनके जो पार्टियां हैं वो भी उनको जागरूक कर रही है, वो भी समझाएंगी, उनके भी एजेंट होते हैं वो भी बताएंगे। और रही बात वीडियोग्राफी की, तो वीडियोग्राफी तो अनइंटरप्टेड होगी, सुबह इलेक्शन शुरू होने से और काउंटिंग खत्म होने तक वीडियोग्राफी जारी रहेगी, कोई भी पल जो है वीडियोग्राफी से नहीं छूटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा के सचिव एवं रिटर्निंग ऑफिसर आर के नांदल, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इस बार हर प्रकार की एहतियात जो है वो बरती जा रही है, साथ ही साथ कल सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद 5 बजे के करीब जो है वो इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किए जाएंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे पहले 3 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन हो चुके हैं, कोविड की वजह से 2 बार गेम्स के आयोजन को टालना पड़ा, लेकिन अब अच्छे माहौल में खेल जारी है। मनोहर लाल ने सभी प्रदेशों से आए खिलाड़ियों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि उम्मीद जताते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा इस बार पदक तालिका में पहले स्थान पर रहेगा। सीएम ने कहा कि यूथ गेम्स में 5 पारंपरिक स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है, उम्मीद है कि इससे इन खेलों को नई पहचान मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार के 8 साल के कामकाज की भी जमकर तारीफ की और कहा कि 8 साल में विश्व में हमारे देश को एक अलग स्थान बना है और देश में पिछले 8 सालों से मूल्य आधारित राजनीति का माहौल बना है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। ये वैसे तो मैं उद्घाटन अवसर पर भी आया था, आज मैं दूसरी बार आया हूं और कुल मिलाकर के यहां जो कुछ हमने खिलाड़ियों का उत्साह देखा है और जिस प्रकार से हर खेल में बढ़ चढ़ करके रुचि ले रहे हैं, रुचि से भाग ले रहे हैं, और मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा आयोजन ये जो चौथा खेलो इंडिया का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। हमने इससे पहले के भी जो 3 कार्यक्रम हुए खेलो इंडिया के, उनके साथ भी जो प्रबंधक ऐसे हैं जो सब जगह जाते रहे हैं, उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा कि हरियाणा का जो ये खेल है बहुत अच्छे वातावरण में हो रहा है और किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, केवल थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा होने के कारण से दिन के समय खेल नहीं हो पाते हैं, सुबह और शाम को होते हैं वो, क्योंकि हमको पता है 4 बार इसके जो समय है 3 बार पहले भी तय हो चुके हैं लेकिन कोविड के कारण से पोस्टपोन करना पड़ा, लेकिन इस समय जो वातावरण एक अच्छा बना है खेलों का और अच्छी बात यह है कि हरियाणा की टीम, हरियाणा के जो सब खिलाड़ी मेडल टैली में अपना पहला स्थान बनाए हुए हैं, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र और हरियाणा लगातार कंपटीशन है। गुरुग्राम के सेक्टर 65 में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग साइट पर बड़ा हादसा हो गया। मामला शहर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सद्दाम नाम के मिस्त्री 20वीं मंजिल पर काम कर रहा था, अचानक काम करने के दौरान वो 2 मजदूरों पर आ गिरा। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मौके पर पहुंचे जेसीपी साउथ की माने तो मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं लोग इसे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही बताने में लगे हैं, तो वही एसीपी विकास कौशिक की माने तो पुलिस ने हर एंगल से मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि हादसे की वजह आखिर क्या रही है। ये मेरा भाई यहाँ से काम करने आता था, ये मेरा जुग्गी है ना सामने, ये जुग्गी से इधर आता था काम करने के लिए, तो मेरा भाई तो मैं उसको मना कर रहा था, मेरे भाई ऐसे काम सिटिंग मीटिंग का काम पे मत कर भाई, क्योंकि ये सब काम रिस्क का होता है, मैं भी कर रहा था, मैं भी मिस्त्री हूँ, मैं भी हल्का काम में घुस गया, इसीलिए तो मैं उसको बोल रहा था, तो
इधर काम करने मत आ भाई, तो इस मानता नहीं है बात को, कह ये ठेकेदार का काम सही है। यहाँ सेक्टर 65 में एक एक कंस्ट्रक्शन साइट है और यहाँ पे एक मजदूर ऊपर काम कर रहे थे और ऊपर से वो दुर्घटना के तहत नीचे गिरे और दो मजदूर और नीचे काम कर रहे थे उनके ऊपर वो गिरे हैं। अभी मौके पे एक मजदूर की मौत होनी पाई गई है और दो मजदूर जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, जिनमें से भी शायद एक मजदूर की मृत्यु हो गई है। अभी हम घटना स्थल की जांच कर रहे हैं और जैसी भी स्थिति होगी वैसी हम कर रहे हैं। चरखी दादरी जिले के गांव रुद्रडोल में मामूली कहासुनी को लेकर बेटे के ससुराल वालों ने पिता के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद बुजुर्ग पिता घायल हो गए। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इलाज के दौरान बुजुर्ग पिता ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को पहुंचने पर बेटे के ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें 6 नामजद और 19 अन्य शामिल हैं। मृतक के बेटे का कहना है कि कई दिनों से उसकी पत्नी का आपस में विवाद चल रहा था, उसी बात को लेकर ससुराल वाले 2 गाड़ियों में भरकर आए और घर में घुसकर मारपीट करनी शुरू कर दी। इस दौरान मोहन लाल घायल हो गए और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना जुजू में सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव रुड़दोल के मोहन लाल नामक व्यक्ति अस्पताल में ब्रॉड डेड आए हैं, तो कार्रवाई के लिए आईयू भेजे, जिस पर एसआई कुलदीप अस्पताल में गए थे, तो वहां पर उसका लड़का लोकराम हाजिर मिला, जिसने दरखास्त दी, जिसने अपनी दरखास्त में बताया कि मेरी शादी 2017 में राजस्थान के चूरू जिला में हुई थी और तब से शादी के बाद मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ और मेरी पत्नी की आपस में कहा सुनी चल रही थी और कई महीनों से वो अपने घर गई हुई थी। तो कल मेरी पत्नी के परिवार की तरफ से काफ़ी लोग 2 गाड़ियों में आए थे, जो हमारी बातचीत चल रही थी, बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपस में कहा सुनी हो गई और मेरे ससुर व दूसरे व्यक्ति का नाम बता रहे थे, उसने मेरे पिता को धक्का दे दिया जिसका सिर बेड में लग गया, जिसे उसको। गुरुवार को दोपहर करीब 2 बजे पुनहाना रनियाला पटाकपुर गांव के समसू के 3 कच्चे मकानों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। 3 कच्चे मकानों में आग लगने की वजह से सारा सामान जलकर राख हो गया। जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक आग की लपटें सामान का काम तमाम कर चुकी थी, जिससे नकदी, अनाज, जेवरात, कपड़ा, घर में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया। 3 कच्चे मकानों पर झोपड़ी डली हुई थी, जिससे आग ने चंद सेकंड में ही भीषण रूप धारण कर लिया। गांव के लोगों ने पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने की गुहार जिला प्रशासन के अधिकारियों से लगाई है। बताया जाता है कि पीड़ित मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन अब आग ने उसका सब कुछ खाक में मिला दिया है। यहाँ मेरा चाचा था, वो नमाज पढ़ने गया था, उसके बाद में एक बच्चा इसमें सोया हुआ था, उस बच्चे को गांव वालों ने आकर के निकाला है, किसी को कुछ पता नहीं किस तरीके से इसमें आग लग गई। मेरा चाचा का घर है शमसुद्दीन का और इसमें सब कुछ नष्ट हो गया है, सब कुछ जल चुका है, आप मौके पर देख रहे हैं। इसमें हमें सरकार से पूरी सहायता चाहिए सर। इसमें 3 मकान है गाँव रंगेला पटापुरे जी, 3 मकान है, 3 मकान नष्ट हो गए सर, इसमें कुछ भी नहीं बचा सर। क्या नाम है मकान मालिक का? शमसुद्दीन है सर। सर वो मजदूरी करते हैं, बच्चे मजदूरी करते हैं, निहायत गरीब आदमी है जी। खबर सोनीपत से है, जहां कुंडली के सेक्टर 53 में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में भयंकर आग लग गई। बता दें कि गाड़ी के फिल्टर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी और धीरे धीरे आग दूसरे फैक्ट्री में भी जा पहुंची, जिसके बाद कई जिलों से फायर ब्रिगेड मंगवाई गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री मालिक ने आग बुझाने के लिए पेमेंट देने के लिए भी मिन्नत की, लेकिन मौके पर दिल्ली की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। और यहाँ ये मैसेज मेरे को 5 बजे के आसपास मिला था,
और हमने तुरंत जो ना अपनी 7 गाड़ियां यहाँ के लिए टर्नआउट कर दिया था, सोनीपत से, गन्नौर से, गोहाना से, खरखोदा से, और अपने जो कुंडली के 2 स्टेशन है वो भी, राई के भी 2 स्टेशनों को हमने भेज दिया था। इसके साथ साथ हमने दूसरे जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे भी मदद मांगी, 2 गाड़ियां हमने जज्जर से, 2 गाड़ियां रोहतक से, 2 गाड़ियां पानीपत से, और 2 गाड़ियां दिल्ली फायर सर्विस की भी मदद के लिए आई हुई है। तो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे एनएचएम कर्मचारी गुरुवार को हड़ताल पर चले गए। एक दिन पहले ही कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से अवकाश ले लिया था। यह हड़ताल एक ही दिन की थी, लेकिन कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने के कारण अस्पताल में व्यवस्था बिगड़ गई। अधिकतर कर्मचारियों की ड्यूटी लेबर वार्ड, नर्सरी वार्ड में लगी हुई थी। वहीं टीकाकरण और कोरोना के सैंपल लेने के काम भी प्रभावित होने के चलते डॉक्टरों को परेशानी रही। वहीं इस दौरान पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों की फाइल को अधिकारी दबाकर बैठे हैं। सरकार ने कर्मचारियों को 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने और मुख्यमंत्री ने कोरोना वॉरियर को 7वां वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा का भी अधिकारियों पर कोई असर नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि सरकार समय रहते कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे, अन्यथा आगे और कड़े कदम उठाने के लिए कर्मचारी विवश होंगे। दो नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 7 पे कमीशन की एनएचएम कर्मचारियों को देने के लिए। आज 8 महीने बीत जाने के बाद भी वो आज तक नहीं लागू किया है। सरकार के आदेशों के बाद भी ये कर्म अधिकारी लोग ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं, और हम इनको बताना चाहते हैं कि एनएचएम कर्मचारी एक हैं और अपने हक लेकर रहेंगे। जो ये एनएचएम कर्मचारियों की स्ट्राइक है, ये एक दिन की सांकेतिक स्ट्राइक है, जो कि मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2 नवंबर को घोषणा की थी कि हमें 7 पे कमीशन दिया जाएगा, लेकिन लिखित रूप में आज 6-7 महीने बीत गए हैं, आज तक कोई लिखित रूप में हमें लेटर नहीं दिया। हम कोई मतलब ऐसी जो उन्होंने घोषणा की है वही चीज मांग रहे हैं। पुराना के बड़े गांव बिछौर के ग्रामीण पेयजल समस्या को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम को पानी की समस्या से अवगत कराया। हालांकि गांव में पीने के पानी की समस्या कोई नई नहीं है, वहीं समाधान ना होने के चलते ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ रोष पनप रहा है। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव के ही एक टैंकर चालक को गांव में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी दी हुई है, लेकिन टैंकर चालक सिर्फ अपने चहेतों के लिए पेयजल उपलब्ध कराता है, जबकि पूरे गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने एसडीएम मनीषा शर्मा को शिकायत देकर गांव में पेयजल की समस्या को दूर करने की गुहार लगाई है। एसडीएम का कहना है कि जल्द ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर गांव में पेयजल की समस्या का समाधान करवाया जाएगा। घास वास नहीं मिलो, मैम की तबीयत खराब है जी, आज हम मिल नहीं पाए। सबसे बड़ी समस्या है जी पानी की। अब जो सरकार ने पैसा दिया गांव बिछोर के लिए, वहां कनेक्शन किए हैं, जो सूखी लाइन पड़ी है वो चैम्बर से अटैच है, उनमें कुछ लाइनों में कनेक्शन किए हैं। जैसे कि गली में 10 घर हैं तो 4 में करी आए हैं, पानी है नहीं, लाइन ही बिल्कुल सूखी धान पड़ी है जी। से गांव में पेयजल की बहुत बड़ी कमी है, और 30 साल से गांव परेशान है। पहले जो स्कीम आई थी वो सारी फेल होगी, खंडर होगी, कोई सरकार ना प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा। तो कहीं शिकायत आपने दी है इसको लेकर? शिकायत भी कर रहे हैं, काफी दिन से संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन कोई अमल नहीं हो रहा। प्रशासन हम टैंकर व्यवस्था करेंगे, फलाना व्यवस्था करेंगे, लेकिन कहते कहते करता कुछ नहीं। अबे टैंकर वगैरह गांव में आ रहे हैं कुछ? एक आध टैंकर जाता है जी, वो इधर उधर खंडर हो जाता है, उस पर भी झगड़ा होता है, इससे कोई फायदा नहीं। क्या अभी मांग करना चाहते? गांव के बिस्तरों में पानी जाए तब गांव की पूर्ति हो सकती है। वैसे वही 9 जून को सेल्फी विद डॉटर दिवस पर अवार्ड फंक्शन इस बार हिसार में आयोजित किया गया, जिसमें कश्मीर, मध्य प्रदेश और आसाम से आई लड़कियों ने भाग लिया। कश्मीर से सेल्फी विद डॉटर दिवस के कार्यक्रम में आई इशरत बसीर को सेल्फी विद डॉटर के सिग्नेचर कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश भर में सेल्फी विद डॉटर अभियान के जरिए महिला उत्थान के लिए काम कर रही 5 लड़कियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं सेल्फी विद डॉटर के फाउंडर सुनील
जागलान ने कहा कि सेल्फी विद डॉटर अभियान का मकसद है लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान हो, वह शिक्षा के जरिए, अधिकार के जरिए और स्वास्थ्य के जरिए होगा। आने वाले समय में लड़कियों के हेल्थ को लेकर हम काम करेंगे और देश में महिलाओं के लिए जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रयास करेंगे। सेल्फी विद डॉटर का जो था सिग्नेचर कैंपेन के लिए, मुझे सेल्फीज कलेक्ट करनी थी अपनी सोसाइटी से, अपनी कम्युनिटी से, स्कूल से, कॉलेज से, तो इस प्रकार मैंने काम किया। और जो कश्मीर जो ये स्टार्ट हुआ था 2015 से टिल 17 मई 2022 तक स्टार्ट हुआ था, और कश्मीर से एक सेल्फी भी नहीं आई थी जो ही मैंने स्टार्ट किया, और हमने आज तक मिली 2000 सेल्फीज। और जब मैंने ये स्टार्ट किया, सुनील सर जब कश्मीर आए, उन्होंने ये वहाँ पे लॉन्च किया, उनकी वजह से मुझे इसके बारे में पता चला ये है क्या। आज सेल्फी विद डॉटर डे हिसार में मनाया गया है, जिसमें देश भर से के अलग अलग राज्यों से लड़कियों ने भाग लिया है। इसमें हर साल जो ये कार्यक्रम किया जाता है, बेस्ट 3 सेल्फीज को अवार्ड दिया जाता है, ऐसी सेल्फी जिनके पीछे प्रेरणादायी कहानियाँ होती हैं। और अब की बार जो हमारे सेल्फी विद डॉटर कैंपेन में कॉन्टेस्ट में जो लड़कियां विनर रही हैं वो कश्मीर से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, आसाम से हैं, और इसके साथ एक पंचायत ऐसी जिन्होंने लिंगानुपात सुधार के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, पलिया लोहानी ग्राम पंचायत अयोध्या से चुनी गई है। ये 7वां साल है और 7वें साल में अब की बार हमारे पास करीबन 70 देशों से 62,400 सेल्फीज आई थी, जिनमें से हमने 5 बेस्ट सेल्फी विद डॉटर को उनके प्रेरणादायी कार्यों के लिए अवार्ड किया है। एक्चुअली मुझे अवार्ड मिला है बेस्ट सेल्फी के लिए। बोलेंगे आप? हाँ। okay. मैम, क्या आप काम करते हैं, आपने क्षेत्र में किसको लेकर आपको ये अवार्ड मिला है? मैं एक्चुअली मुझे बेस्ट सेल्फी के लिए अवार्ड मिला है। एक्चुअली मैं बाय प्रोफेशन स्टूडेंट हूँ, अभी बीटेक मेरा रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, और मैंने सेल्फीज कलेक्ट करने में इशरफ की बहुत मदद की अपने गांव में, और हम बहुत सारे स्कूल्स गए, सोसाइटी में गए, उनसे बात की, उनको अवेयरनेस दी रिगार्डिंग दिस कैंपेन, और तब जाके हमें बहुत सारी सेल्फीज कलेक्ट। खबर चंडीगढ़ से है, जहां इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यसभा चुनाव में अपने समर्थन का ऐलान कर दिया है। वो कार्तिकेय शर्मा को समर्थन देंगे। इसके साथ ही अभय चौटाला ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने फैसला किया है और इसके बारे में सीनियर साथी बताएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश को लूटने का काम किया है। चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस को छोड़ दिया था ताकि किसानों की मांगों को मनवा सके। कांग्रेस षड्यंत्र के तहत ओपी चौटाला को 10 साल की कैद भी करवाई है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना वोट दूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ओपी चौटाला जब जेल में थे तब विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा ने ओपी चौटाला का ख्याल रखा, इस नाते मैं अपना वोट कार्तिकेय शर्मा को दूंगा। कुलदीप बिश्नोई अब शायद ही कांग्रेस को वोट देंगे, तो कांग्रेस को लेकर के भी अभय सिंह चौटाला ने निशाना साधा है। उन्होंने कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले को कुलदीप बिश्नोई को के वोट को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही ऐलान किया है कि वो कार्तिकेय शर्मा को अपना वोट राज्यसभा भेजने के लिए देंगे। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले को। और इसी बीच यमुनानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक रिश्वतखोर को गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई यमुनानगर में देखने को मिली है। यमुनानगर से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों इंस्पेक्टर को पकड़ा गया है। रसूलपुर के शराब ठेकेदार ने शिकायत दी थी और इसी शिकायत के आधार पर एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों विजिलेंस की टीम ने पकड़ा है। शुक्रवार को आरोपी इंस्पेक्टर को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम यमुनानगर से, जहां एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। तो आरोपी इंस्पेक्टर को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। यमुनानगर से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस विभाग की टीम ने पकड़ा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।